शेख, मेरा सवाल ये जी था, जी बताइए। जैसे अभी रमजान का महीना चल रहा है, एक्चुअली मैं कंपनी में नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ, और हमारा 12 घंटे का शिफ्ट रहता है, रात के 8 से सुबह 8 बजे तक। तो मेरी मतलब इशा की नमाज, तरावी और उससे तहरी यही करता हूँ मैं। तो एक्चुअली नाइट शिफ्ट में हम लोग को एक प्रोडक्शन का काम, मतलब फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ, तो हमको कुछ टारगेट दे रहते थे, 10 कोई चीज 10 बनानी है, तो वो टारगेट तो हमारा अचीव जाता है हमारे मेरे अंडर। मतलब मैं रात में अकेला मैनेजर हूँ, तो वो तो वो काम मैं करवा लेता हूँ, मेरे अंडर सुपरवाइजर है, तो मैं जो हमारा जो अचीवमेंट है तो कर होता है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि इस रात में मुझे टाइम मिला फ्री, तो उसमें मैं इबादत करूँ, नमाज पढ़ू, रोजे पढ़ू, तरावी पढ़ लूँ, तो क्या ये मतलब अमानत में खयानत नहीं होगी? मतलब मेरे जॉब टाइम में मैं ये कर रहा हूँ इबादत, हाँ एक देखिए, वो सवाल समझ। आपके, हाँ बिल्कुल, सवाल आपका वाजे है। वो जी आपका जो जॉब एग्रीमेंट है उस पर डिपेंड करता है। एक तो एग्रीमेंट ये होता है कि आपको ये टारगेट अचीव करना है ना। उसके बाद आपने टारगेट अचीव कर लिया, फिर जो आपका मालिक है या बॉस है उसको इससे मतलब नहीं है कि आप बैठे हुए हैं कि लेटे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, वो उसको टारगेट चाहिए। एक तो ये एग्रीमेंट होता है। एक एग्रीमेंट ये होता है कि नहीं, आप ड्यूटी के टाइम में कोई और काम नहीं कर सकते, कंपनी ही का काम आपको करना है। तो आप वहां अपनी कंपनी में आप बेहतर जानते हैं कि आपका एग्रीमेंट किस नौईयत का है। क्या आपके नमाज पढ़ने पर या इबादत करने पर या कुछ और करने पर उसको एतराज है या नहीं है। अगर उसको एतराज है तो उस टाइम में आप सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ सकते हैं। फर्ज नमाज पर तो एतराज करने का भी उसे हक नहीं है, वो उस पर एतराज नहीं कर सकता। बाकी सुन्नतों पर वो कर सकता है कि आप जो है नवाफिल नहीं पढ़ सकते, आप जो है कंपनी का काम कीजिए, काम नहीं है तो बैठे रहिए। नहीं सर, मेरी तो कभी जब मैं जो नाइट शिफ्ट है हमारा, तो मैं ही मैनेजर हूँ, हाँ नाइट शिफ्ट में मैं ही मैनेजर हूँ, मेरे जो बॉस लोग सब डे में रहते हैं, तो पहली बात तो उनको आप मालूम एक है कि बार मैं उनसे रात में बात कर नमाज हो लीजिए। रहा आप देखिए, बहुत अच्छी बात है, शफाफियत वाली बात या अमानतदारी वाली बात। आप एक बार उनको ये इत्तला कर दीजिए कि जब मैं अपना टारगेट अचीव कर लेता हूं तो मैं कुरान पढ़ता हूं, मैं इबादत करता हूं, क्योंकि कोई काम नहीं होता है मुझे। ये आप उन्हें बता दीजिए, जी। जी सर, ठीक है। लेकिन ये बात उनको मालूम है हाँ कि मतलब नमाज रमजान चल रहा है, तो ये लोग नमाज पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं, उनको तो हाँ मालूम तो है ये बात अगर उन्हें, ऑलरेडी, हाँ अगर उन्हें तो कोई आपको एतराज बताना नहीं है तो कोई मतलब मसला नहीं। सुनिए, मतलब बताना जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो ऐसे ही मालूम होती हैं, मतलब जी सर, अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर जी सर, जी अंडरस्टैंडिंग सर, भी है इस तरह की, अंडरस्टैंडिंग इस तरह की है, उनको कोई एतराज नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में वहम आ रहा हो तो एक बार आप कह भी लीजिए उनसे। अगर सर ऐसा कुछ हुआ तो जो हमारी जो अर्निंग रहेगी, जो कमाई रहेगी, क्या वो हराम रहेगी? नहीं बिल्कुल नहीं, जब अगर सामने से इजाजत मिल गई तो नहीं हराम है, और अगर इजाजत नहीं मिली, अगर इजाजत नहीं मिली और उनके टाइम में कोई और काम आप कर रहे हैं तो फिर वो गलत होगा। अर्निंग हराम नहीं होगी क्योंकि आपने टारगेट तो अचीव कर लिया है।